आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के घर में शांति नहीं है, पति पत्नी में एकता नहीं है, घर में एक प्रकार से परेशानियां छड़ी हुई है। या तो सब कुछ है तो रोग परेशान कर रहा है, अगर नहीं तो पति पत्नी में अनबन है, नहीं तो बच्चे गलत व्यसन में पड़ गए। इन सब का कारण क्या है पता है आपको? अपने माँ बापों को हमने सम्मान नहीं दिया, उनका सत्कार नहीं किया, उनके उपकार को हमने स्वीकार नहीं किया। आज हम अपने परिवार से, अपने बच्चों से दुखी होके परेशान हो। भगवान नारायण ने इसलिए सोचा कि नवरात्रि के पहले के 15 दिन, कितने दिन? 15 दिन, जिसको पितृपक्ष कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि आज आपने अपने माँ बापों की अच्छी सेवा कर ली, शायद आपके पहले पीढ़ियों में कोई पूर्वज बहुत दुखी रहे हों, बहुत परेशान रहे हों, पितृलोक में दुखी होते हों, आज उसका असर आपके घर में आ सकता है, आज वो परेशानी आपके घर में दुख दे सकता है। ज़्यादातर जिस घर में रोग होता है, अपंग बच्चे पैदा होते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है वो पितृश्राप से ही होता है। किससे होता है? पितृश्राप से। पितृश्राप से। हमारे राजस्थान में कोई राजस्थानी बैठे हो, घड़ी घड़ी महेंद्र कहता है राजस्थानी राजस्थानी, तो राजस्थान में एक नियम है पितरुओं के लिए मटके के नीचे दिया करना, मटके के पास दिया करना, करते हैं ना राजस्थान? जी करते हैं भगवान। कौन कौन करते हैं? करते हैं ना माता जी? जी गुरुदेव। दक्षिण में भी ये नियम है, पिंडा बोलते हैं उसको, मटके के स्थान को क्या बोलते हैं? पिंडा। पिंडे के पास करना है, पिंडा यानी जहां मटकी रखी जाती है वो स्थान। तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, राजस्थान में, सब जगह ये प्रसिद्ध है। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि ये मटकी के पास पितरों के लिए दीपक क्यों जलाना? जलाते तो हैं, ये भी बोले हाँ हम जलाते हैं। ध्यान रखना, तर्पण और श्राद्ध भी नदी या तालाब के किनारे ही होता है, गया में होगा, काशी में होगा, कहीं ना कहीं होगा, लेकिन जहां तालाब और नदी होगी वहीं होगा। तालाब और नदी में क्या होता है बोलो? क्या होता है? पानी। मटके में क्या होता है? पानी। हाँ, ध्यान रखना, आपके पितृ जो पितृ लोक है वहां पूरा जल जैसा एक वातावरण है, उसमें रहते हैं, तो जहां मटका होता है वहां दिया करो, या तालाब नदी के पास तर्पण श्राद्ध करो, तुरंत वो जो किया हुआ क्रिया उनको तृप्त करता है और आशीर्वाद मिलता है। हाँ, इसलिए हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष क्या है और मुझे करना क्या चाहिए, इसका पूरा हमको विवेक और ज्ञान होना चाहिए।